दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट ज्यादा मनी प्रिंट क्यों नहीं करती, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करके जो प्रॉब्लम्स है कंट्री की, जैसे कि पॉवर्टी, वीक इकोनॉमिक कंडीशन और जो भी दूसरी कंट्री से जो भी सारा कर्जा है वो उतार क्यों नहीं देती ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करके। तो आज वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, बताऊंगा ज्यादा मनी प्रिंट करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्यों गवर्नमेंट ज्यादा मनी प्रिंट नहीं करती। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं जानते कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो मैंने उसको लेकर एक पहले ही एक वीडियो बना रखी है। आपको यहाँ ऊपर एक सजेस्टेड कार्ड दिख रहा होगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, अगर आप पहले वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये टॉपिक थोड़ा बेटर वे में समझ में आएगा। अब ये बात करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट ज्यादा मनी प्रिंट नहीं करती। इसका रीजन ये है कि उससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। आपको ये लगता होगा कि ज्यादा मनी प्रिंट करके बस फायदे ही फायदे हैं, सबके पास एकदम मस्त पैसा आ जाएगा, सारा कर्जा उतार पाएगी दूसरी कंट्रीज का, एक पर्टिकुलर कंट्री और जो भी पॉवर्टी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, ज्यादा मनी प्रिंट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा उसका नुकसान है। मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे है। अब अगर आपके पास ज्यादा मनी आ जाए, यानी कि गवर्नमेंट ने ज्यादा मनी प्रिंट कर दी और लोगों में सर्कुलेशन में आ गई वो मनी, और आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं, तो आप उन पैसों का करोगे क्या? उन पैसों से किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेस करोगे। अगर सेविंग्स करोगे तो सेविंग्स भी क्यों करोगे आगे किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेस करने के लिए? तो मेन जो मनी का एम होगा वो होगा गुड्स या सर्विसेज परचेस करने का। अब अगर गवर्नमेंट ज्यादा मनी प्रिंट करती है तो उसे होगा ये कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक गुड या फिर हर एक सर्विस की प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो बात वापस से सेम ही हो जाएगी। यानी कि ज्यादा मनी प्रिंट की तो प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ गई। अब वो कैसे बढ़ेगी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बाइक है। एक बाइक को एक पर्टिकुलर कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कंट्री है जिसमें एक पर्टिकुलर बाइक बनती है, उस बाइक को 200,000 लोग खरीद सकते हैं। मतलब उनके पास इतनी एबिलिटी है, इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि वो उस बाइक को परचेज कर सकते हैं। पर अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ज्यादा मनी प्रिंट करेंगे, और गवर्नमेंट ने ज्यादा मनी प्रिंट की और लोगों में वो मनी सर्कुलेशन में आ गई, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, तो फॉर एग्जांपल पहले उस बाइक को 200,000 लोग परचेस कर सकते थे, 200,000 लोगों के पास एबिलिटी थी उस बाइक को परचेस करने की। पर अब क्योंकि ज्यादा पैसा आ गया लोगों में, ज्यादा मनी प्रिंट किया गवर्नमेंट ने, तो अब ज्यादा लोग उस बाइक को परचेस कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अब ज्यादा मनी प्रिंट किया तो 300,000 लोग उस बाइक को परचेस कर पाएंगे, पहले 200,000 कर पाते थे, अभी ज्यादा पैसे प्रिंट हुए तो अब 300,000 लोग उस बाइक को परचेस कर सकते हैं, उनके पास इतनी फाइनेंशियल एबिलिटी है कि वो उस बाइक को परचेस कर सके। अब वो मैन्युफैक्चरर तो 200,000 बाइक्स ही बनाई होगी, उसने 200,000 बाइक्स को ही मैन्युफैक्चर किया होगा, क्योंकि उसको पता है कि 200,000 लोग मेरी बाइक्स को खरीद सकते हैं। पर अभी गवर्नमेंट ने ज्यादा मनी प्रिंट किया, अब 300,000 लोग खरीद सकते हैं, तो अब उस मैन्युफैक्चरर को दो ऑप्शंस है ये डिमांड मीट करने के लिए, यानी कि सप्लाई है 200,000 बाइक्स की पर डिमांड है 300,000 बाइक्स की। तो अब उस मैन्युफैक्चरर के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो बाइक्स की प्राइसेस को बढ़ा दे ताकि वापस से सिर्फ 200,000 लोग उसको परचेस कर पाए, यानी कि जो लोग उसको परचेस कर सकते हैं उनमें से कुछ लोग हट जाएं और कम लोग उस बाइक को परचेस कर पाए ताकि सप्लाई और डिमांड मीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले केस में अगर वो बाइक की प्राइसेस को बढ़ाता है तो हो ही गया, बस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, यानी कि ज्यादा मनी प्रिंट हुई तो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ गई। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस ये कि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि मैं 100,000 बाइक्स और मैन्युफैक्चर करूंगा ताकि जो 300,000 बाइक्स की डिमांड है उसको मैं फुलफिल कर सकूं, यानी कि 200,000 बाइक्स तो वो मैन्युफैक्चर करेगा, साथ ही साथ 100,000 और बाइक्स को प्रोड्यूस करेगा ताकि जो 300,000 बाइक्स की डिमांड है वो मीट हो जाए। अब आप खुद सोच के देखिए कि वो 100,000 बाइक्स जो और मैन्युफैक्चर करेगा तो क्या उसका और खर्चा नहीं आएगा? 100,000 बाइक्स को और मैन्युफैक्चर करने के लिए और लेबर कॉस्ट आएगा, जो मशीनरी उनके पास है वो और काम में ली जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, यानी कि ओवरऑल उन 100,000 बाइक्स और मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा खर्चा भी आएगा। तो वो जो ज्यादा खर्चा उन्होंने किया है उस मैन्युफैक्चर ने या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने, वो कहां से रिकवर करेंगे? आप में से ही करेंगे, यानी कि वो उस केस में भी बाइक्स की प्राइसेस को बढ़ाएंगे ताकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है उन 100,000 और बाइक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो रिकवर कर सके, यानी कि वापस बाइक्स की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि उन्होंने 100,000 बाइक्स को और मैन्युफैक्चर किया, उसमें और खर्चा आया तो उन्होंने बाइक्स की प्राइस को बढ़ा दिया ताकि जो उनका जो खर्चा किया है उन्होंने वो रिकवर हो सके। तो इस केस में भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, यानी कि ज्यादा मनी प्रिंट हुई पर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, तो बात तो एक ही हो गई। यानी कि पहले आप फॉर एग्जाम्पल पहले वो बाइक थी 50,000 की, पर अभी ज्यादा मनी प्रिंट हो गई
तो 22 की प्राइस भी बढ़ गई, मतलब पैसे ज्यादा आ गए तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ गई, तो बात तो पहले जैसे ही हो गई। साथ ही साथ करेंसी की, किसी पर्टिकुलर करेंसी की जिसमें जिस गवर्नमेंट ने ज्यादा वो करेंसी प्रिंट किया, उस पर्टिकुलर करेंसी की परचेजिंग पावर भी कम हो गई। यानी कि पहले 50,000 के पास इतनी पावर थी कि वो उस पर्टिकुलर बाइक को परचेज कर सके, पर अभी क्योंकि बाइक की प्राइसेस बढ़ गई तो 50,000 के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर बाइक को परचेज कर सके, मतलब करेंसी की वैल्यू भी डाउन हो गई। यानी कि ज्यादा मनी प्रिंट करने से कोई फायदा तो हुआ ही नहीं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ गई। और ये तो था बाइक का एग्जांपल, ऐसा हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस के साथ होगा। ये बाइक का एग्जांपल दिया, आप किसी मोबाइल का एग्जांपल भी ले लीजिए। पहले उस मोबाइल को कम लोग परचेस कर पा रहे थे, पर अभी ज्यादा मनी प्रिंट हुई तो ज्यादा लोग परचेस कर पा रहे हैं। अब मैन्युफैक्चर के पास रहेंगे दो ऑप्शन, या तो बढ़ाए मोबाइल की प्राइस या और मोबाइल को मैन्युफैक्चर करें, दोनों में ही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्राइस बढ़ जाएगी। और ऐसा ही हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस के साथ होगा, ज्यादा मनी प्रिंट होगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा मनी सर्कुलेशन में आएगी, प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बढ़ेगी, साथ ही साथ करेंसी की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। तो पहली बात तो कुछ फायदा तो हुआ नहीं ज्यादा मनी प्रिंट करके, साथ ही साथ करेंसी की वैल्यू भी डाउन हो गई, जो एक डिसएडवांटेज है। यानी कि ज्यादा मनी प्रिंट करने का कोई एडवांटेज तो है ही नहीं, उल्टा डिसएडवांटेज है। तो ये था रीजन कि क्यों गवर्नमेंट ज्यादा मनी प्रिंट नहीं करती है। रीजन जो है वो काफी सिंपल है। पहली बात तो ज्यादा मनी प्रिंट करेगी तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो बात हो जाएगी पहले जैसी, साथ ही साथ करेंसी की पावर भी डाउन हो जाएगी, करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है। अगर करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो जो फॉरेन करेंसीज है वो एक पर्टिकुलर करेंसी जो ज्यादा प्रिंट की गई है उसके सामने स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है, यानी कि कोई एडवांटेज तो है ही नहीं, उल्टा एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये थे रीजंस क्यों गवर्नमेंट ज्यादा मनी प्रिंट नहीं करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, दिस इज रोनित, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।